चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कच्छ जिले की मंडावी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को कल्प वृक्ष बताया। सीएम ने कहा है कि पीएम वो कल्प वृक्ष है जहां जो जरूरत हो वही मिलेगा। तो वहीं सीएम शिवराज ने केजरीवाल को बबूल का पेड़ तो राहुल गांधी को खरपतवार बताया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और आप देश में से संतोष और चैन साफ कर देंगे। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया, देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का। दो दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गुजरात खुश है। गुजरात खुश इसलिए है कि नर्मदा मैया का पानी आखिरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। गुजरात खुश है 181 अभयम हेल्पलाइन के कारण यहां के भाई बहन सुरक्षित है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। गुजरात खुश है, देश में सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है गुजरात, और सूरज से कच्छ भी बिजली बना बना के सारे देश में भेज रहा है। गुजरात खुश है क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में गुजरात नंबर वन है। भोजपुरा के मेरे बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे गिरेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे।